नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, जैसे हम कोई सत्संग में गए हैं, कहीं प्रवचन सुनने गए हैं, या हम कंप्यूटर लैपटॉप पर, टॉयलेट की सीट पर, जब भी कहीं पर भी एक ही मोशन में हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो हमारे हाथ या पैर कुछ सुन्न पड़ जाते हैं और हम बोलते हैं मुझे झुंझुनी आ गई है। ये झुंझुनी की समस्या नंबनेस कहलाती है। कभी कभार जब ये समस्या होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जब ये अक्सर ये समस्या होती है तो ये परेशानी वाली बात है। इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे हमें ये बीमारी का कॉज तो पता चले कि किस कारण से ये समस्या हो रही है। बेसिकली बार बार झुंझुनी का होना नर्व कंप्रेशन के कारण हो सकता है। ये स्लिप डिस्क में भी हो सकता है, ये सियाटिका की परेशानी में भी हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में भी हो सकता है, या कोई और किसी भी वजह के कारण कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा हो, कहीं की नस दब रही हो, तब ये कंडीशन होती है कि हमारे हाथों में या पैरों में या बॉडी के किसी पार्ट में झुंझुनी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपने ये झुंझुनी को फील तो किया ही होगा, अक्सर ऐसा होता रहता है। इसके अलावा ये जो नर्व कंप्रेशन है, इसके अलावा ब्लड फ्लो में जब प्रॉब्लम होती है या किसी कारण से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस कारण से भी झुंझुनी आ जाती है। ये झुंझुनी दो तरीके से हो सकती है, सिंगल नर्व कंप्रेशन के कारण और मल्टीपल गुच्छे में बंच ऑफ नर्व कंप्रेशन के कारण भी हो जाता है। जैसे एक कार्पल टनल सिंड्रोम होती है जो हाथों में होती है, फिंगर्स में झुंझुनी आने लगती है, वहां रिस्ट में अगर नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो उसके कारण से जब झुंझुनी आती है तो ये जो झुंझुनी होती है वो सिंगल नर्व कंप्रेशन के कारण होती है। और पीछे हम जानते हैं कि हमारी क्या स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स पास होती है और जब वहां पे कंप्रेशन हो जाता है तो उसके कारण जब पैरों में या कहीं हाथों में या कहीं भी झुंझुनी आती है तो उसको मल्टीपल कंप्रेशन के कारण होता है, बंच ऑफ नर्व कंप्रेशन के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। कई कई बार डायबिटीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जब डायबिटीज में प्रॉब्लम होने लगती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने लगती है, उसमें भी ये परेशानी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको एक MRI कराना चाहिए, एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट आपको करना चाहिए, जिससे हमें ये तो पता चल जाए कि हमें पर्टिकुलर कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जैसे सबसे पहले एगेनिकस मस्क्यूरियस। जब आपको पैरों में या हाथों में बहुत ज्यादा झुंझुनाहट हो रही है, चींटियों जैसा सेंसेशन हो रहा है, पैर और हाथ बार बार सुन्न हो जा रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, तो ये तब हम एगेरिकस मस्क्यूरियस की 6-6 गोली दिन में 3 बार या दो बूंद दिन में 3 बार देते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। हाथों में जब ज्यादा झुंझुनी हो रही हो और झुंझुनी में टच करने पर सेंसेशन ही फील ना हो रहा हो तो इस कंडीशन में कॉस्टिकम 200 की 6-6 गोली दिन में 3 बार देते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है कॉकुलस इंडिकस। जब राइट हैंड में जब ज्यादा प्रॉब्लम हो लेफ्ट के कंपैरिजन में तो हम कॉकुलस मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है अबीना सटाइवा मदर टिंचर। अबीना सटाइवा मदर टिंचर नर्व्स का टॉनिक होता है, यह मेमोरी भी इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, डिप्रेशन के पेशेंट को भी या किसी भी प्रकार का नर्व कंप्रेशन हो रहा हो तो उन सब कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा और इसी तरीके से होम्योपैथी में ये जो मेडिसिन होती है एक रश टॉक्स भी नंबनेस को दूर करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होम्योपैथी का उपयोग करके अगर आपके पैरों में लगातार झुंझुनी आ रही है, हाथों में लगातार झुंझुनी आ रही है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिए कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।